हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्तों, आज हम कथा सुनेंगे एक महात्मा की, जिसके कह देने मात्र से ही वह बात सत्य हो जाती थी। उन पर प्रभु की अपार कृपा थी। ऐसे ही भक्त हैं जिनका नाम है हरिदास जी। महात्मा हरिदास जी वे प्रभु के नाम का नित्य जप किया करते थे। वे जब प्रभु के जप में बैठते तो उनकी समाधि कई कई दिनों तक चलती। महात्मा हरिदास जी पुलिया के पास ही पुण्य सलिला माँ जाह्नवी के किनारे एक गुफा बनाकर उसमें रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नित्य प्रति वहाँ सैकड़ों आदमी उनके दर्शन करने के लिए तथा गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनके गुफा के समीप जाता, उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम न हो सका। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु वे खुजली से घबरा जाते। उनके शरीर में बहुत जलन और खुजली होती, जिससे वे लोग वहां जाने में डरते, किंतु वहां पहुंचकर उनके मन को पूर्ण शांति मिलती। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का परीक्षण किया। अंत में सभी ने कहा, यहाँ कोई जरूर महाविषधर सर्प रहता है। ना जाने कैसे हरिदास जी अभी तक बचे हुए हैं। श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है। उसी का इतना असर है कि लोगों के शरीर में जलन होते लगती है। यदि वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार मारे तो उसकी फुंकार से ही मनुष्य बच नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थान को शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सन्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थान को अवश्य ही छोड़ दें। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट ना भी हो, किंतु और लोगों को आपके यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा। दर्शनार्थी बिना आए रहेंगे नहीं, और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए आप हम लोगों का ही ख्याल करके इस स्थान को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोगों को कष्ट हो यह मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को ही इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों एक ही साथ यहाँ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ और सभी अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है। उसी का इतना तेज प्रकाश है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी के दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई, ना ही जलन उत्पन्न हुई। संतों की तो दृष्टि मात्र से अविद्या का बंधन खुल जाता है तथा भगवान भी कभी उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करते। सत्य ही वे श्री हरि के दास हैं, इसलिए उनका नाम श्री हरिदास है। सदैव श्री कृष्णचंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हरिदास जी सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न तथा थावर और जंगम सभी के उपकारी हैं। भगवान जब जब इस प्रपंच में अवतरित होते हैं, तब तब श्री हरिदास ठाकुर भी अवतरित होते हैं। अतः वे साक्षात भगवान के नित्य परिकर हैं। साक्षात भगवान पार्षद होने के कारण श्री हरिदास जी विष्णु एवं वैष्णव के प्रति कभी कोई अपराध नहीं किया।
साधारण मनुष्यों की भांति उनकी कृष्ण सेवामयी चेष्टा किसी भी अवस्था में यहाँ तक कि स्वप्न में भी विषय की ओर नहीं जाती। क्षण मात्र से भी कम समय के लिए यदि किसी जीव को जन्म जन्मांतरों के पुंज महासौभाग्य के फल श्री हरिदास जी का संग प्राप्त होता है, तब उसे अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री हरिदास जी जैसे महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता भी सदैव लालायित रहते हैं। सत्कर्म करने के फलस्वरूप उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करने वालों के लिए नरक की प्राप्ति होना अवश्यंभावी है। उसका उच्च कुल उसे नरक जाने से भी नहीं बचा सकता। जिस प्रकार विष्णु वैद्यवेशी विदत्त कुल में श्री प्रहलाद तथा वानर कुल में श्री हनुमान जी ने जन्म ग्रहण किया, उसी प्रकार निम्न यमन कुल में श्री हरिदास प्रभु की इच्छा से अवतरित हुए। साधारणतः मनुष्य देवताओं का स्पर्श करके तथा गंगा में स्नान करके पवित्र होने की इच्छा करते हैं, किंतु ब्रह्मा आदि देवता यहाँ तक कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली परम पवित्र भगवती गंगा भी महाभागवत श्री हरिदास जी का स्पर्श करके धन्य होने की इच्छा करती हैं। श्री हरिदास जी को स्पर्श करना तो दूर रहे, उनके दर्शन करने से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तक क्षण खुल जाता है। नामाचार्य श्री हरिदास जी के प्रति जो अप्रकृतिक पुरबुद्धि रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री हरिदास जी के वैसे भक्तों को देखने से भी बुद्धिजीवी का संसार बंधन खुल जाता है। सत्कर्मों के फल से बुद्धिजीव उच्च नीच योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। उच्च अथवा नीच कुल में जन्म ग्रहण करना केवल जीवों के कर्म फल भोगने का निर्दान मात्र है। परमार्थिक विचार से जाति अथवा प्राकृतिक वंश मर्यादा का कोई मूल्य नहीं है। इस परम सत्य को जगत में सभी को अवगत कराने के लिए मंगलमय भगवान की इच्छा से श्री हरिदास जी यवन कुल में अवतरित हुए थे। अधम कुल में जन्म लेने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो वह पूज्य है, सभी शास्त्रों का ऐसा ही कहना है। आइए भक्तों, एक और कथा श्रवण करें जिसकी महिमा बहुत है। आज हम कथा सुनेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पढ़ लिख कर बहुत मेहनत की, किंतु नौकरी मिली उसे प्रभु कृपा से। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन। वह बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाई किया करता था, परंतु उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसने नौकरी के लिए हर कंपनी में अप्लाई किया था, तभी अचानक उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, आप आकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बहुत खुश होता है मोहन, परंतु उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं उतने जिससे कि वह इंटरव्यू देने जा सके। वह अपने घर से निकल पड़ा, इंटरव्यू के लिए बहुत सी गाड़ियों से लिफ्ट मांगी, परंतु कोई उसे लिफ्ट नहीं दिया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मंदिर की घंटी। मंदिर की तरफ बढ़ा और भगवान से विनती किया कि भगवान, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे जाऊं? तभी वहां बैठा हुआ एक भिखारी बोला, इसमें भगवान को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें चाहिए तो मेरे कटोरे से। तभी मोहन ने कहा, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकता हूँ? तभी उस भिखारी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे तो बहुत लोग देने के लिए आते हैं, परंतु तुम्हें इंटरव्यू देने जाना है, तुम पैसे निकालो और जाओ, जब मन करे तब चुका देना, मैं यहीं मिलूंगा तुमसे। मोहन कटोरे में से पैसे लेकर इंटरव्यू देने चला जाता है और उसे जॉब के लिए सिलेक्ट भी कर लिया जाता है, और सोचता है कि मैं सबसे पहले जाकर उस भिखारी के साथ अपनी खुशी बयान करूँगा। परंतु जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ भिखारी नहीं है। वह आसपास के लोगों से पूछता है कि यहाँ सुबह से जो भिखारी बैठा था वो कहाँ गया। लोगों ने कहा कि यहाँ तो सुबह से कोई भिखारी नहीं बैठा था। वह सोचने लगा, यह मजाक कर रहे हैं या तो ये लोग देरी से आए हैं दर्शन के लिए। वह अब लगता भिखारी चला गया। उसने पंडित जी को देखा और पंडित जी के पास गया और पूछा, पंडित जी, यहाँ पर जो भिखारी बैठता था वह कहाँ गया? पंडित जी ने कहा, बेटा, यहाँ पर कोई भिखारी नहीं बैठता, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। वह सोचने लगा,
यह मेरे नेत्रों का भ्रम है या कोई माया? पंडित जी ने कहा, बेटा तुम्हें अवश्य ही भ्रम हुआ है। उसने भगवान की तरफ देखा और कहने लगा, वाह प्रभु, आपने कैसी माया रची। मुझे नौकरी दिलाने के लिए आप एक भिखारी का रूप धारण करके आए। आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय श्री कृष्ण।